थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज का दिन मेरा अल्टीमेट रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। और जो मेरी सक्सेस का कारण है, अब मैं आपको लास्ट 10 मिनट के अंदर आपको सारी चीज समझा दूंगी कि मैंने क्या क्या स्टेप लिए या मैंने कैसे कैसे बिजनेस को करा जिससे मेरा जो सक्सेस है वो मेरे पास आई। सबसे पहला काम जो मैंने किया, बड़ा सपना लिया। और बड़ा सपना नहीं, सबसे पहले तो सपना लिया, क्योंकि वो सपना ही है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं और लोग हमें नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा सपना ही होता है जो हमें बार बार कहते हैं, नहीं एक डेमो और कर दे, एक प्लान और दिखा दे, एक डेमो और कर दे, एक प्लान और दिखा दे। तो ये सब जो करा, ये मेरे सपने ने करा। जब मेरे को डिमोटिवेशन आता था, जब लोग मुझे मना कर देते थे, जब लोग कहते थे ये नहीं चलने वाला, जब लोग कहते थे ये तो चेन बनाने का काम है, जब लोग कहते थे तू फंस चुकी है, तब मैं अपनी डायरी को खोलती थी और अपने सपने को देख लेती थी। तो मैंने बड़ा सपना देखा, बड़ा सपना बोला और बार बार उस सपने को बोला, क्योंकि मैंने सुरेखा मैम से बहुत अच्छी चीज सीखी है कि जिस चीज को आप बार बार बोलोगे और उसके लिए निरंतर काम करोगे, उसके लिए बार बार एफर्ट डालोगे, वो चीज आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज को अब दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में आपका साथ दे देती है, पूरी कायनात। तो मैंने बड़ा सपना लिया, लेकिन बड़ा सपना लेने के साथ मैंने एक काम और किया। सिर्फ उस बड़े सपने को लेकर घर पे नहीं बैठी, मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मीटिंग्स करूंगी और डेली मीटिंग्स करूंगी, सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, और कभी कभी तो 10 तक 11 बजे मैं अपने घर में घुसती थी। एक दिन में 3 मीटिंग करती थी, 4 मीटिंग करती थी, मीटिंग्स पे मीटिंग, मीटिंग्स पे मीटिंग, डेमोस पे डेमोस, डेमोस पे डेमोस। और जिसके भी पास जाती थी मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन कराने, कभी ऐसे नहीं गई 2000 रुपए लेने नहीं गई, कभी ज्वाइनिंग लेने नहीं गई, हमेशा गई उनको एक अपॉर्चुनिटी देने जिससे उनकी लाइफ में एक चेंज आ सकता है। जब भी गई एक एनर्जी के साथ गई, आज भी जब जाती हूं एनर्जी के साथ जाती हूं। आपको पता है लोग मोदी केयर के साथ ज्वाइन नहीं होते, मोदी केयर के साथ ज्वाइन होते हैं, लेकिन असली ज्वाइन लोग किसके साथ होते हैं? जो लीडर होते हैं उसके साथ। वो आपकी एनर्जी और आपके करंट को देखते हैं, आपका बड़ा कितना बड़ा सपना है, जो नए लोग हैं वो उस चीज को देखते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने सपने को लेना है और हर व्यक्ति के सामने, चाहे वो आपका मजाक उड़ाए, चाहे वो हंसे, चाहे वो कुछ भी कहे, आपको अपने सपने को उसको बताना है। भाई मैं तो गाड़ी लेने जा रहा हूँ मोदी केयर से, तुझे भी चाहिए क्या? ये आपको उससे पूछना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे को भी गाड़ी दिलवा सकता हूँ, आजा मेरे साथ मोदी केयर बिजनेस को कर ले। क्योंकि आज मेरे पास जैगुआर है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं लोगों को बोलती थी आपको फॉरन लेके जाऊंगी, चाहे खुद एक बार भी नहीं गई थी, लेकिन मेरी एनर्जी इतनी हाई रहती थी कि लोगों को लगता था ये ले जाएगी एक ना एक दिन। तो मैंने क्या किया, 9 to 9 काम भी किया। अगर बड़ा सपना लिया तो सपना लेकर उसके ऊपर मैंने एफर्ट भी डाला, एक्शन भी लिए, लगातार एक्शन लिए। और जब मैं मीटिंग करके आती थी अपने घर, तो आती ही नहीं थी जब तक ऑर्डर नहीं मिलता था। जिसके पास जाती थी, अगर मैं मीटिंग करने जा रही हूँ अपने घर से कहीं दूर, पेट्रोल भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, हर चीज लग रही है, लेकिन जब मैं मीटिंग खत्म कर रही हूँ और मीटिंग खत्म करने के टाइम पे मैंने ऑर्डर ही नहीं लिया, तो फायदा क्या हुआ मेरी मीटिंग को करने का? तो मैंने कभी शर्म नहीं करी ऑर्डर लेने में, क्योंकि हम गए क्यों थे, हम घर से बाहर निकले क्यों थे ऑर्डर लेने के लिए? और सीधा जाके पता क्या पूछती हूँ, मतलब जब मीटिंग खत्म होती पूछती हूँ, अच्छा आधार कार्ड दोगे कि वोटर आई डी? कभी कभार तो लोग चुपचाप लेकर आते हैं, कभी कभार लोग हंसने लगते हैं, अच्छा बेटा, तो उनको हंसने, चाहे वो हंसे चाहे वो सीरियस हो उस चीज को लेके, लेकिन मेरा क्वेश्चन